Hello and good morning everyone. Today we will do maths chapter number 6 division. आज का हमारा टॉपिक क्या है? Chapter number 6 division. तो जल्दी से आप लोग अपनी maths की book open कर लो and open page number 88. अच्छा, before starting division आपको पता है कि division word का मतलब क्या होता है, meaning क्या होता है? Division का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज equally डिवाइड करते हैं यानी बांटते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट्स गिवन देयर आर 24 एप्पल्स केप्ट इन अ बॉक्स. फाइंड द नंबर ऑफ बास्केट रिक्वायर्ड टू पैक इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बास्केट. नाउ 8 एप्पल्स को कितनी रिक्वायरमेंट है? 4. अब डिवीजन के रूल, फर्स्ट रूल है कि आपको टेबल्स थरली लर्न होने चाहिए. लाइक आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लासेस कि मल्टीप्लिकेशन में भी आपको टेबल्स की नीड है और साथ में डिवीजन में भी आपको टेबल्स की नीड है. विदाउट टेबल्स यू कांट डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ना तो डिवीजन कर सकते हो आप, ना ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. क्यों? क्योंकि जब तक आपको टेबल्स नहीं लर्न होंगे आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते. नाउ सी द वार्म अप एक्टिविटी. 8 एप्पल्स रिक्वायर्ड 4 बास्केट्स. नाउ अब आप सोचोगे कि मैम को कैसे पता कि 8 एप्पल्स को 4 बास्केट की रिक्वायरमेंट्स है. मैम को ऐसे पता चला कि मैम को टेबल्स याद है. लाइक 4 into 2 equals to 8 and 2 into 4 equals to 8. ठीक है, मीन्स जब हमने 8 एप्पल्स को 2 से डिवाइड करा, जब हमने 8 एप्पल्स को 2 से डिवाइड करा वी आर गेटिंग 4. 2 × 4 = 8 और जब हमने 8 को 4 से डिवाइड किया वी आर गेटिंग 2. सो दोनों में 4 and 2 इज कमिंग है ना. या तो 2 के टेबल में 4 भी आ रहा है और इधर 4 के टेबल में 2 भी आ रहा है, यानी कि 8 2 4 = 8 बोलो या 4 2 = 8. आंसर विल बी 4. दोनों के लिए 4 बास्केट रिक्वायर्ड रहेंगी. या फिर हम 2 बास्केट भी कर सकते हैं. 2 बास्केट में 4 एप्पल्स भी डाल सकते हैं. नाउ फॉर 6 वी नीड 3 बास्केट और 2 बास्केट बिकॉज 2 3s are 6 और 3 2s are 6. फॉर 4 एप्पल्स वी नीड 2 बास्केट बिकॉज 2 into 2 equals to 4. ठीक है. So division means equal sharing. Okay. Now let's see equal sharing or distribution. Yash's mother gave him 10 toffees. He decided to share the toffees equally with his 4 friends, Mohan, Anil, Jitin, and Lakshay. How many toffees will each of them get? Let's find out. Now, यश की मम्मा ने उसे कितनी टॉफीज दी? 10 टॉफीज दी. और उसके कितने फ्रेंड्स हैं? उसके कितने फ्रेंड्स हैं? 4 फ्रेंड्स हैं, जिनके नाम है मोहन, अनिल, जतिन एंड लक्ष्य. ओके, तो अब क्या करेगा यश? यश को 10 टॉफीज अपने 4 फ्रेंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है. लेट्स सी कि हर फ्रेंड को कितनी टॉफीज मिलती हैं. सो यश गिव 1 टॉफी टू ईच फ्रेंड इंक्लूडिंग हिमसेल्फ. तो पहले यश ने क्या करा? 1 टॉफीज सबको दे दी. ओके, 1 टॉफीज यश ने सबको दे दी. देन व्हाट यश ने क्या देखा कि यश इज लेफ्ट विथ 5 टॉफीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. अब क्या हो गया? यश ने देखा कि मैंने जो है पहले मेरे पास कितनी टॉफीज थी? 10 टॉफीज थी। यश के पास कितनी टॉफीज थी? 10 टॉफीज थी और उसने सबको 1-1 टॉफीज बांट दी। 1 मोहन को, अनिल को, जतिन को, लक्ष्य को और 1 यश ने रख ली। ठीक है, अभी भी उसके पास 5 और टॉफीज बच गई हैं। एंड व्हाट ही डिड, यश गिव्स 1 मोर टॉफी टू ईच फ्रेंड। अब यश ने क्या करा, फिर से 1-1 टॉफी सबको दे दी, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। अपने आप को भी उसने इंक्लूड करा। एक टॉफी उसने अपने आप को दी, एक टॉफी जतिन को दी, एक टॉफी अनिल को, एक टॉफी मोहन को, एक टॉफी लक्ष्य को। नाउ ईच ऑफ देम हैज, सबके पास कितनी टॉफीज हो गई? 2-2 टॉफीज। नाउ यश इज लेफ्ट विथ नो टॉफीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। You can see that each of them gets 2 toffees. So if we divide or share equally 10 toffees among 5 people, each of them gets 2 toffee. अब अगर हम कोई भी चीज इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, so how we have to divide? Let's see. Number of toffees to be shared. Number of toffees were 10. This is the sign of division. This is the sign of division. Okay, this is the sign of division. Now let's see, number of toffees to be shared 10, number of boys were 5 and number of toffees each gets 2. तो अब आप देखो 5 2 10, डिविजन इज जस्ट रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। रिवर्स मतलब मल्टीप्लीकेशन का उल्टा। हम मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस का साइन लगाते हैं और फिर यहाँ इक्वल टू लगा के आंसर लिखते हैं। डिविजन में हमें कोई क्रॉस का साइन नहीं लगाना, ना सिर्फ हमें डिवाइड का साइन लगाना है। ठीक है, आंसर पहले आएगा और जो मल्टीप्लाइड होता है वो बाद में आएगा। जैसे कि 2 × 5 = 10, ठीक है। बट यहाँ पे कितनी टॉफीज थी? 10 टॉफीज थी, 5 बॉयज थे। तो दिस विल शिफ्ट हियर एंड दिस विल टेक दिस प्लेस। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। समझ गए, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या है? Division, when we are sharing something equally. Now, division as forming equal group. अब आपको पता है हमने मल्टीप्लीकेशन में इक्वल ग्रुप्स का फॉर्मेशन पढ़ा था कि 5 बॉक्सेस हैं, सब बॉक्सेस में 2-2 रोज हैं, उसमें 10-10 पेंसिल्स हैं, चॉकलेट्स हैं। इस तरीके से हमने ग्रुप पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो the same way we will learn in division also. Division as forming equal groups. Let us take 15 balls and divide them into groups of 5 ball each. अब यहाँ पे हमारे पास 15 balls है। कितनी balls है? 15 balls है और हमें इसे क्या करना है? 5-5 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हमने क्या करा है? 15 balls ली हैं और 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हैं। कितने ग्रुप? 5 में नहीं करना है, हमें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। रिमेम्बर 3 5s are 15, 5 3s are 15। सो दोनों में क्या आ रहा है? 5। तो हमने क्या करना है? 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। हर एक ग्रुप में कितनी बॉल्स होंगी? 3 बॉल्स। 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। हर एक ग्रुप में कितनी बॉल्स है? 5 बॉल्स। हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? 5 बॉल्स। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सब में 5-5 बॉल्स है कि नहीं? नाउ हाउ मेनी ग्रुप्स हैव यू मेड? वी हैव मेड 3 ग्रुप, 1 2 and 3, 3 ग्रुप्स। हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन ईच ग्रुप? ईच ग्रुप यानी एक ग्रुप में कितनी बॉल्स है? 5 बॉल्स। सो हम क्या लिखेंगे? टोटल बॉल्स, number of balls in each group and number of groups. So अब अब हम इसको डिवीजन के टर्म में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स और रिमेनिंग या नंबर ऑफ ग्रुप्स ऐसे पढ़ा। अब इसे डिवीजन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो डिवीजन का फॉर्म क्या है? टोटल बॉल्स इज योर डिविडेंड। सी, टोटल बॉल्स, डिविडेंड मतलब, डिविडेंड मीन्स जिससे हमें डिवाइड करना है, डिवाइजर एंड क्वोशंट। क्वोशंट मीन्स आंसर, रिमाइंडर मीन्स जो बच गया है। डिविजर एंड डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स डिवाइड कर रहे हैं हम, और डिविजर मीन्स इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट एंड रिमाइंडर। और ये क्या है? ये इस फॉर्म में आपका लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिवीजन। मतलब ये आपकी फॉर्मेशन है, जब आपको डिवाइड करना होगा तो आपको इसी फॉर्म में ही लिखना है। लाइक 10 2, सो 2 5 10। तो यहाँ पे आपको डिवाइजर का मतलब होता है ये नंबर दिया होता है जिसमें आपको टेबल बोलना पड़ता है। इस नंबर का आपको टेबल लर्न होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस नंबर के टेबल में ये नंबर कब आ रहा है। ठीक है, और क्वोशंट होता है आंसर, यानी कि जो आपका आंसर आया कि 2 के टेबल में, जब 2 का टेबल जब हम 5 नंबर तक बोलेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10। ओके, नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी। This activity you will be doing it at home as your homework. This is something coloring activity to find a number in each group. तो ये आप ग्रुप अपने आप फॉर्म करोगे और इसको कंप्लीट करोगे। Now, let's see the exercise 6A. अब सेम इस तरीके की एक्सरसाइज आपने मल्टीप्लिकेशन में भी करी कि नहीं करी है? सो इसी तरीके की एक्सरसाइज हमारी डिवीजन में भी है। नाउ राइट अ डिवीजन फैक्ट टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर। डिवीजन फैक्ट, डिवीजन फैक्ट क्या होता है? सी 10 - दिस इज 10 ÷ 5 = 2 और 10 ÷ 2 equals to 5। यानी के we have 5 groups. Each group contains 2 bananas. So या तो हम लिखेंगे 10 ÷ 2 या तो हम लिखेंगे 2 ÷ 10 ÷ 5 और 10 ÷ 2। ठीक है, like we have 1 2 3 4 5 6 7 8. We have 8 groups. So 8 ÷ अब यहाँ पे अंदर कितनी स्माइलीज हम उन्हें काउंट करेंगे। So we have 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितनी है ये? 16। So यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप में 2 हैं। सो 2 × 8 = 16। Now, I'll tell you one thing. This is how many groups are there? There are, first we will see how many smileys are there. So smileys हमने कितनी count करी थी? 16. So there are 16 smileys. So 16 divided by how many groups are there? 8. So 8. So answer is 2. 2 कैसे आ गया? क्योंकि हर ग्रुप में 2-2 स्माइलीज है, और अगर आप 8 का टेबल बोलो 8 1 8, 8 2 16, सो 8 2 16. और वन मोर थिंग इज देयर, यू कैन राइट 16 divided by 2 equals to 8. So 2 8s are 16 और 8 2s are 16. So इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज को फिल करना है. Now another set of example we have eggs. So there are 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So here are 18 eggs. So 18 divided by how many are there groups? Groups कितने? 3. So 3 6 are 18, or you can write 18 divided by 6 equals to 3. Got it? कैसे करना है आपको? So these two remaining portion you will be doing it at home, and आप मैम को बताओगे कि डिवीजन में आपको समझ में आ गया या नहीं. ठीक है? So ma'am will meet you in the next class. Till then, bye bye, and revise this topic at home.